हेलो नमस्कार, मेरा नाम दलबीर है और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस यूट्यूब चैनल का नाम इंडियन टेक्निकल फार्मिंग है और आज मैं आपके लिए खेती से जुड़ी एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आज मैं आपको बताता हूँ कि मूंग की वैज्ञानिक खेती कब और कैसे करें, वह भी जाएगी इसमें कौन कौन सी सावधानी रखे जिससे कि बीज का अंकुरण 100% तक हो, जिससे कि हमें कम खर्च व कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फसल की पैदावार प्राप्त हो, जिससे कि हमें एक अच्छी इनकम प्राप्त हो। इस वीडियो में मूंग की बुआई से लेकर कटाई तक व भंडारण तक सभी जानकारी दी जाएगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको खेती से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट पर इंडियन टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि अन्य किसानों को खेती से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त हो और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करते हैं मूंगी। मूंग एक दलहनी फसल है। मूंग दलहन फसलों में काफ़ी अहम मानी जाती है। इसकी दाल को छिलके के साथ और बिना छिलके के साथ खाया जाता है। मूंग की दाल के अंदर 25% प्रोटीन और 60% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इस कारण ये मनुष्य के लिए बहुत उपयुक्त होती है। मूंग की दाल का रंग हरा होता है। इसकी फलियों को कच्चे रूप में भी खाया जाता है लेकिन पकने के बाद इसे कई तरह से खाने में इस्तेमाल किया जाता है। मूंग की खेती ज़्यादातर खरीफ के मौसम में की जाती है जिसके लिए बलुई मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। इसके पौधों को सामान्य बारिश की जरूरत होती है लेकिन फलियों के पकने के दौरान होने वाली बारिश इसकी पैदावार को अधिक नुकसान पहुँचाती है। फलियों के पकने के दौरान बारिश के होने पर फलियाँ फट जाती है। मूंग की खेती के लिए ज़मीन का पीएच मान सामान्य होना चाहिए। अगर आप मूंग की खेती करना चाहते हो तो मूंग की खेती अप्रैल से जुलाई तक इसकी सिंचाई की जाती है। मूंग एक दलहनी फसल है जो भूमि पर फैलकर चलती है जिससे यह भूमि को ढकने का कार्य करती है और जिससे मृदा संरक्षण पर भी नियंत्रित होता है। यह एक दलहनी फसल होने के कारण वायुमंडल की नाइट्रोजन को एकत्रित करने का कार्य करती है जिससे भूमि की उर्वरता शक्ति भी बढ़ जाती है। मूंग की दाल में पाए जाने वाले प्रोटीन उत्तम गुणों वाले होती है। इसके दानों का उपयोग दाल के रूप में तथा आटे के रूप में विभिन्न व्यंजनों को बनाने में किया जाता है। मूंग के पौधों को पशुओं के लिए हरे चारे के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसके हरे पौधों को भूमि में दबाकर हरी खाद भी बनाई जाती है। प्रतिदिन के भोजन में छिलका युक्त तथा छिलका रहित मूंग की दाल का प्रयोग स्वस्थ व रोगी मनुष्य भूतैत में करते हैं। मूंग की छिलका रहित दाल का प्रयोग नमकीन चाट व मिठाइयाँ बनाने में किया जाता है। मूंग की हरी फलियों का प्रयोग सब्जियों के रूप में भी किया जाता है। मूंग दलहन वर्ग की फसल होने के कारण वायुमंडल से 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन भूमि में मिलाती है। मूंग की दाल में उत्तम गुणों वाली लगभग 25% प्रोटीन भी पाई जाती है। मूंग के पौधों में गुणसूत्रों की संख्या 2n=24 होती है। मूंग का पौधा एक वर्ष एवं सकाई होता है। मूंग के पौधे की ऊंचाई 80 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। इसके पौधे सीधे व ऊंचे बढ़ने वाले होते हैं। इसके पौधों की जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिर करने का कार्य करती है। मूंग की खेती वर्षाकालीन बसंतकालीन व ग्रीष्मकालीन तीनों मौसम में की जाती है। भारत में मूंग की खेती के लिए इन तीनों मौसमों के लिए अनुकूल है। दक्षिण भारत में मूंग की खेती रबी के मौसम में की जाती है। मूंग की फसल RMG 62 इस मूंग की उन्नत किस्म के पौधे मध्यम ऊंचाई वाले सीधे होते हैं। झुलसा रोग रोधी यह किस्म खरीफ व जायद दोनों ऋतुओं में ली जा सकती है। फसल एक समय में पककर तैयार हो जाती है। अब हम बात करते हैं मूंग की खेती कटाई से भंडारण तक स्टेप्स। नंबर एक, मूंग की खेती के लिए उपयुक्त समय। नंबर दो, मूंग की खेती के लिए खेत का चुनाव। नंबर तीन, मूंग की खेती के लिए मिट्टी की जाँच। नंबर चार, मूंग की खेती के लिए पानी की जांच। नंबर पाँच, मूंग की खेती के लिए भूमि। नंबर छः, मूंग की खेती के लिए जलवायु। नंबर सात, मूंग की खेती के लिए खेत की तैयारी। नंबर आठ, मूंग की खेती के लिए फसल पद्धति या फसल चक्कर। नंबर नौ, मूंग की खेती के लिए बीज का चुनाव। बीज की उन्नत किस्में। मूंग की खेती में खाद का उपयोग। नंबर 16, मूंग की खेती में जल का प्रबंधन। नंबर 17, मूंग की खेती में कीट व रोग का प्रबंधन। नंबर 17, मूंग की खेती में मोनो असाटाप कोप्रोक्सीक्लोराइड इत्यादि का स्प्रे। नंबर 18, मूंग की खेती में सुंडी की रोकथाम।
नंबर 19 मूंग की खेती में फूलों के बढ़ाने के लिए टॉनिक। नंबर 20 मूंग की खेती में फूलों को झड़ने की रोकथाम के लिए उपयुक्त टॉनिक। नंबर 20 मूंग की कटाई, फिर मूंग की कटाई, फिर उस मूंग का भंडारण। ये मुख्य स्टेप है जो मूंग की खेती में उपयोग किए जाते हैं। फसल लगभग 60 से 65 या 70 दिनों में तैयार हो जाती है। ये मूंग की वैरायटी पर निर्भर करता है कि आप कौन सी वैरायटी किस समय लगा रहे हो। अब हम बात करते हैं मूंग की बिजाई के लिए उपयुक्त समय। मूंग की बिजाई का उपयुक्त समय अप्रैल व मई महीना होता है। बाजार में मूंग की बहुत सी वैरायटियाँ उपलब्ध होती है। ग्रीष्मकालीन मूंग की जातियों की बुआई अप्रैल या मई माह में ही की जा सकती है। यदि बसंत के मौसम में खेत बुआई के लिए उपलब्ध है तो मूंग की फसल की बुआई से पूर्व खेत बुआई के तो मूंग की फसल की बुआई फरवरी के अंतिम सप्ताह में कर देनी चाहिए। मूंग की बुआई का सही समय। बसंतकालीन मूंग की फसल की बुआई फरवरी के अंतिम सप्ताह में की जाती है, जबकि ग्रीष्मकालीन फसल अप्रैल माह में ही बोई जाती है। वर्षा आधारित क्षेत्रों में यह जून व जुलाई में भी बुआई की जा सकती है। अब हम बात करते हैं मूंग की खेती के लिए खेत का चुनाव। इसके बाद हम मूंग की बिजाई के लिए कम खेत का चुनाव करते हैं। अगर पहले उस खेत में सरसों की बिजाई की थी तो सरसों के फनों को रोटावेटर की सहायता से एक दो बार अच्छी तरह से जुताई कर दे, ताकि सरसों के फन्ने अच्छी तरह से मिट्टी में मिल जाए। फिर आप एरो की सहायता से एक दो बार अच्छी तरह से जुताई कर दे। फिर आप लेजर रोलर की सहायता से खेत को समतल कर दे, ताकि खेत की सिंचाई अच्छी तरीके से हो जाए। मूंग की खेती आप सिंचित तथा असिंचित क्षेत्रों में की जा सकती है। अब हम बात करते हैं मूंग की खेती के लिए मिट्टी की जांच। सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा लें, जिससे हमें यह पता चल जाता है कि मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों की कमी है और खेत की मिट्टी किन किन फसलों के लिए उपयुक्त है और इस मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती है, जैसे गेहूँ, चना, अरहर, सरसों, राया, बरसीन, गन्ना, आलू, मक्का, बाजरा, कपास। मिट्टी की जांच से हमें यह पता चल जाता है कि इसका पीएच मान कितना है। मूंग में संपूर्ण खाद बिजाई के समय ही दे। अब हम बात करते हैं मूंग की खेती के लिए पानी की जांच। अगर आप फसल की बिजाई के लिए नहरी पानी का इस्तेमाल करते हैं तो यह सभी प्रकार की फसलों के लिए अच्छा है और इसमें बीज का अंकुरण 100% तक हो जाता है। अगर आप वर्षा के पानी से फसल की बिजाई करते हैं तो यह सभी प्रकार की फसलों के लिए अच्छा और इसमें बीज का अंकुरण 100% तक हो जाता है। अगर आप ट्यूबवेल के पानी से फसलों की बिजाई करते हैं तो आप इस ट्यूबवेल के पानी की जांच करवा लें। अगर ट्यूबवेल का पानी पीने में मीठा है तो इसमें पानी का पीपीएम ज़्यादा हो सकता है और बीज अंकुरण के समय यह एक समस्या बन जाता है। अगर पानी का पीपीएम 1000 से कम है और तो यह सभी प्रकार की फसलों के लिए अच्छा है और इसमें बीज का अंकुरण 100% तक हो जाता है। अगर पानी का पीपीएम 1000 से ज़्यादा है तो इसमें बीज का अंकुरण सही तरीके से नहीं हो पाता है, इसलिए पानी की जांच करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मूंग की फसल की ट्यूबवेल के पानी से सिंचाई करते हैं तो उसके ट्यूबवेल के पानी की जांच करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका पैदावार पर भी असर पड़ता है, इसलिए आप ट्यूबवेल के पानी की जांच करवाइए। मूंग की खेती के लिए उपयुक्त भूमि। मूंग की फसल के लिए दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। बलुई दोमट व मटियार दोमट भूमियों में मूंग की फसल उगाई जा सकती है। भूमि में जल निकास की उत्तम व्यवस्था होना आवश्यक है। मूंग की खेती के लिए पीएच 7 से 7.5 हो तो इसके लिए उत्तम है। मूंग की खेती के लिए जलवायु। मूंग के लिए नम व गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी खेती वर्षा ऋतु में भी की जा सकती है। इसकी वृद्धि एवं विकास के लिए 25 से 32 डिग्री तापमान अनुकूल पाया गया है। गेहूँ मूंग के लिए 75 से 90 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र उपयुक्त पाए गए हैं। पकने के समय साफ मौसम तथा 60% आर्द्रता होना चाहिए। पकाओ के समय अधिक वर्षा हानिप्रद होती है। मूंग की खेती के लिए खेत की तैयारी या भूमि की तैयारी। खरीफ की फसल हेतु गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए एवं वर्षा प्रारंभ होते ही 2-3 बार देसी हल या कल्टीवेटर से जुताई कर खरपतवार रहित करने के उपरांत खेत में पट्टा लगाकर समतल करें। दिमक से बचाव के लिए क्लोरीफायर 1.5% चूर्ण या 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टर के मान से खेत की तैयारी के समय मिट्टी में मिलाना चाहिए। ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती के लिए पूर्वी फसलों के कटने के तुरंत बाद खेत की तुरंत जुताई कर 5 से 6 दिन तक छोड़कर पलेवा करना चाहिए। पलेवा के बाद 2 से 3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से पट्टा लगाकर खेत को समतल व भुरभुरा बनाए।
इससे उसमें नमी संरक्षित हो जाती है एवं बीजों का अंकुरण अच्छी तरीके से हो जाता है। बुआई का समय, खरीफ मूंग की बुआई का उपयुक्त समय जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई का प्रथम सप्ताह है एवं ग्रीष्मकालीन फसल को 15 मार्च तक बुआई कर देनी चाहिए। बुआई में विलंब होने पर फूल आते समय तापक्रम वृद्धि के कारण फलियां कम बनती है अथवा बनती ही नहीं है, जिससे उसकी उपज काफ़ी प्रभावित होती है। मूंग की खेती के लिए फसल पद्धति या फसल चक्कर। मूंग की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए मूंग की खेती में फसल चक्र अपनाना बेहद जरूरी होता है। वर्षा आधारित खेती के लिए मूंग बाजरा और सिंचित क्षेत्रों में मूंग गेहूं जीरी सरसों फसल चक्र अपनाना चाहिए। सिंचित क्षेत्रों में मूंग की जायद में फसल लेने के लिए धान गेहूं फसल चक्र उपयुक्त फसल के रूप में पाई गई है। फसल चक्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें फसलों को इस क्रम में बोया जाता है जिससे कि मृदा की उर्वरता बनी रहे। किसी भी खेत में फसल को अदल बदल कर बोना फसल चक्र कहलाता है। ऐसा करने से मृदा की उर्वरता शक्ति बनी रहती है और पैदावार अच्छी होती है। किसी खेत से एक निश्चित समय में उसकी मृदा उर्वरता को बनाए रखते हुए उगाई जाने वाली फसलों के क्रम को फसल चक्र कहते हैं। किसी क्षेत्र की भूमि, जलवायु व अन्य वातावरणीय कारकों के आधार पर विभिन्न विभिन्न फसल चक्र अपनाए जाते हैं। एक अच्छे फसल चक्र को अपनाकर किसान अपनी भूमि से अधिक आर्थिक लाभ कमा सकता है। फसल चक्कर एक वर्षीय फसल चक्कर मक्का गेहूं, दो वर्षीय फसल चक्कर ज्वार बरसीन धान चन्ना। फसल चक्कर के प्रकार, खरीफ की फसलों में अपनाए जाने वाले फसल चक्कर, रबी की फसलों में अपनाए जाने वाले फसल चक्कर, जायद की फसलों में अपनाए जाने वाले फसल चक्कर। फसल चक्कर के सिद्धांत, उथली जड़ वाली फसलों के बाद गहरी जड़ वाली फसलों को उगाना चाहिए। अधिक खाद की आवश्यकता वाली फसलों के बाद कम खाद की आवश्यकता वाली फसलों को उगाना चाहिए। अधिक जल की आवश्यकता वाली फसलों के बाद कम जल की आवश्यकता वाली फसलों को उगाना चाहिए। फलीदार फसलों के बाद अफलीदार फसलों को उगाना चाहिए। कृषि साधनों का उपयोग क्षमतापूर्वक ढंग से करना चाहिए। भूमि कटाव से प्रभावित क्षेत्रों में फसल चक्र में फसलों में वृद्धि होती है। फसल चक्र के लाभ, मृदा की उर्वरकता शक्ति में वृद्धि होती है तथा मृदा के भौतिक रासायनिक जैविक गुणों में सुधार होता है। सघन फसल चक्रों को अपनाने से भूमि में जीवांश में पदार्थ की मात्रा में वृद्धि होती है। उचित फसल चक्र को अपनाने से भूमि में पनपने वाली विभिन्न बीमारियों के प्रभाव में कमी आती है। फसल चक्र अपनाने से कीटों तथा खरपतवारों पर भी नियंत्रण होता है। एक उत्तम फसल चक्र प्रति इकाई क्षेत्रफल में अधिक आर्थिक लाभ देता है। एक अच्छे फसल चक्र से उन्हें वर्ष भर लगातार रोजगार उपलब्ध होता रहता है। फसल चक्र में दलहनी फसलों को सम्मिलित करना चाहिए जिससे भूमि में नाइट्रोजन तथा जीवांश पदार्थों की वृद्धि होती है। पशुओं को चारे की आपूर्ति के लिए चारे वाली फसलों को सम्मिलित करना भी आवश्यक होता है। मूंग की खेती के लिए खेत की तैयारी व खाद का उपयोग। अगर आप खेत में गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हो तो 8 से 10 ट्रॉली एक एकड़ के लिए पर्याप्त रहती है। गोबर की खाद को जमीन में अच्छी तरह बिखेर कर जमीन को समतल कर देना चाहिए। अगर आप खेत में रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हो तो एक एकड़ के लिए 50 किलो DP पर्याप्त रहती है। DAP को बीज की बुआई के समय ही खाद की बुआई कर देनी चाहिए। सिंचाई, बत्तर जुताई, कल्टीवेटर स्वागत। अगर आप खेत को अच्छी तरह से सिंचाई कर दे, जमीन के बत्तर आते ही एरो की सहायता से 1-2 बार खेत को अच्छी तरह गहरी जुताई कर दे, फिर आप कल्टीवेटर स्वागा की सहायता से जमीन को समतल कर दे, फिर आप इसमें बीज की बुआई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं मूंग की खेती के लिए बीज का चुनाव, बीज की किस्म या वैरायटी, बीज का उपचार और बीज की मात्रा। हम अपने खेत में मूंग की बिजाई करते समय ऐसे बीज का चुनाव करते हैं जो कि अपने क्षेत्र या एरिया के हिसाब से ठीक हो। बीज का चुनाव हमें मिट्टी, समय व पानी के अनुसार ही करना होता है, क्योंकि दोमट मिट्टी के लिए अलग, रेतीली ज़मीन के लिए अलग अलग वैरायटी आती है। बीज की वैरायटी, हमें एक ऐसी वैरायटी का चुनाव करना होता है जो हमारे क्षेत्र व ज़मीन के व पानी के हिसाब से ज़्यादा उत्पादन देती हो। हमें एक ऐसी कंपनी के बीज का चुनाव करना होता है जो कंपनी सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड हो, जैसे राशि, US शक्तिवर्धक इत्यादि। बीज का खरीदते समय हमें बीज का पक्का बिल अवश्य लेना चाहिए जिससे कि बीज के डुप्लीकेट होने के चांस कम हो, जिससे कि हमें बढ़िया बीज मिले जिससे कि उसकी पैदावार अच्छी हो। बीज का उपचार, हम बीमारी की रोकथाम के लिए हम बीज का उपचार करते हैं जिसे हम FIR भी कहते हैं, जिसे हम फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड व राइजोबियम कल्चर भी कहते हैं। सबसे पहले बीज को फंगिसाइड
दवाई से उपचार करते हैं, जिसे हम फंगस की बीमारियों की रोकथाम के लिए करते हैं। फिर हम इंसेक्टिसाइड की बीमारियों की रोकथाम के लिए इंसेक्टिसाइड से उपचार करते हैं। फिर हम राइजोबियम कल्चर से उपचार करते हैं, जो कि हमारी पैदावार बढ़ाने में मदद करता है। बीज की मात्रा, हम मूंग की बिजाई के लिए एक एकड़ में 4 से 5 किलो बीज की ही बिजाई करते हैं। मूंग की उन्नत किस्में, जानिए विशेषताएं एवं पैदावार। मूंग हमारे देश की महत्वपूर्ण दलहनी फसल है। इसकी अच्छी पैदावार के लिए अपने क्षेत्र की प्रचलित मूंग की उन्नत किस्म का चुनाव करना आवश्यक है। मूंग की उन्नत किस्में राज्यवार, हरियाणा खरीफ की फसल हेतु IPM 23, MH 215, मुस्कान इत्यादि। जायद की फसल हेतु SML 668, पंत मूंग 5 इत्यादि। पंजाब के लिए खरीफ फसल हेतु IPM 23, MH 215, ML 818, ML 613 इत्यादि। जायद की फसल हेतु SML 658, IPM 23, पंत मूंग 5 इत्यादि। पंजाब के लिए खरीफ फसल हेतु IPM 23, MH 215, ML 818, ML 613 इत्यादि। जायद की फसल हेतु SML 658, IPM 23, पंत मूंग 5 इत्यादि। राजस्थान की खरीफ फसल हेतु SML 658, IPM 23, RMG 492, MH 215 इत्यादि। ये खरीफ की फसल के हेतु है। जायद की फसल हेतु SML 668, PDM 139, मेया इत्यादि। तरह उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की अलग अलग वैरायटी आते हैं। ये वैरायटी खरीफ की फसल हेतु अलग, जायद की फसल हेतु अलग, गर्मी के मौसम की अलग अलग वैरायटी आती है। अगर आप किसी भी वैरायटी का चयन करें तो आप मौसम व राज्य के अनुसार ही वैरायटी का चुनाव करें। आप वैरायटी का चुनाव खरीफ, जायद व कौन सी किस फसल हेतु करें उसके अनुसार ही वैरायटी का चुनाव करें। मूंग की खेती में अगर आप रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हो तो एक एकड़ के लिए 30 किलो DAP, 20 किलो पोटास व 10 किलो जिंक पर्याप्त रहती है। खाद का इस्तेमाल आप अपनी मिट्टी की जांच के अनुसार भी कर सकते हो। बिजाई, मूंग की बिजाई, अगर आप मशीन की सहायता से खाद व बीज की बुआई एक साथ कर सकते हो। हमें बीज की बिजाई सुबह या शाम के समय ही करनी चाहिए। बिजाई के समय हमें लाइन से लाइन की दूरी 1 फिट वह बीज से बीज की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर व बीज की गहराई 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बिजाई के समय बीज गिल्ली मिट्टी में ही डलना चाहिए व इसके ऊपर 5 से 6 सेंटीमीटर जमीन की परत चढ़ जानी चाहिए, जिससे कि बीज का पूर्ण सही तरीके से हो सके। बिजाई के समय भूमि में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। मूंग की खेती में अगर आप खरपतवार की रोकथाम के का नियंत्रण चाहते हो तो आप बिजाई के तुरंत बाद पेंडा में लिथान 30% इसी का छिड़काव कर दे। एक अंकड़ के लिए 500 मिली दवा का 250 लीटर पानी में घोल बनाकर उसका एक अंकड़ में स्प्रे कर दे। इससे खरपतवारों का जर्मिनेशन नहीं होगा, इसमें खरपतवार नहीं उगेंगे। तरह आप खरपतवार की भी रोकथाम कर सकते हो। मूंग की बुआई आप सिंचित तथा असिंचित क्षेत्रों में कर सकते हो। सिंचित क्षेत्रों में आप सिंचाई के बाद आप मूंग की बुआई कर सकते हो। अगर आप असिंचित क्षेत्रों में इसकी बिजाई करते हो तो ये बिजाई वर्षा के बाद ही आप कर सकते हो, जिसे आप बिरानी क्षेत्र भी कहते हो। बिरानी क्षेत्र में बारिश के बाद ही मूंग की बुआई की जाती है। मूंग की फसल में 20 दिन बाद निराई व गुड़ाई। मूंग की फसल की बिजाई के 20 दिन बाद खेत में खरपतवार उगना शुरू हो जाते हैं, जिसे आप कचिए की सहायता से निराई व गुड़ाई कर सकते हो। अगर आप रासायनिक दवाओं से इनका नियंत्रण चाहते हो तो मार्केट में बहुत सी दवाइयाँ उपलब्ध है, जिससे खरपतवारों का नियंत्रण हो जाता है। 20 से 25 दिन बाद मूंग की खेत की सिंचाई। अगर वर्षा नहीं हुई है तो अगर फसल में पानी की जरूरत है तो आप 20 से 25 दिन बाद फसल की आप सिंचाई कर सकते हो। ये सिंचाई आप नहरी पानी या फिर ट्यूबवेल के पानी से कर सकते हो। जल का प्रबंधन, मूंग की खेती में जल का प्रबंधन भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है तो खेत में जल भराव हो जाता है, जिसका जल प्रबंधन होना बहुत ज़रूरी है। अगर बारिश
समय पर हो जाती है तो हमें मूंग की खेती में सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मूंग की फसल को ग्रीष्म ऋतु में 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई की जरूरत होती है। फलियां बनते समय एक हल्की सिंचाई भी जरूर करें। फसल पकने के 15 दिन पहले ही सिंचाई बंद कर दें। बारिश के मौसम में खेत में पानी का भराव ना होने दें। मूंग का अधिक उत्पादन लेने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। बुआई के लिए किसान केवल प्रमाणित बीजों का ही इस्तेमाल करें। अपने क्षेत्र के मुताबिक ही किस्मों का चयन करें जिससे नुकसान ना हो और अधिक उत्पादन मिले। बुआई सही समय पर करनी चाहिए। अगर किसान देरी से बुआई करते हैं तो इसका सीधा उत्पादन पर असर पड़ता है। बुआई से पहले बीजोपचार जरूर करें। इससे फसल को बीज और मिट्टी जनित बीमारियों से बचाया जा सकता है। मृदा परीक्षण के मुताबिक उर्वरक का इस्तेमाल करें। समय समय पर खरपतवार का नियंत्रण करें। मूंग की खेती में प्रमुख रोग व उनकी रोकथाम। नंबर 1, चितेरी रोग। पीला चितेरी रोग एक विषाणु जनित रोग है जिसमें पत्तियों पर पीले धब्बे पड़ जाते हैं और बाद में पत्तियां पूरी तरह से पीली पड़ जाती है। यह रोग तेजी से फैलता है। रोकथाम, यह रोग मूंग की फसल में सफेद मक्खी द्वारा फैलता है। ऐसे में इसकी रोकथाम के लिए खेत में आवश्यकता अनुसार ऑक्सीडेमेटान मिथाइल या डायमेथोड को पानी में घोलकर छिड़क दें। पत्ती रोग, इस रोग में पत्तों पर झुर्रियासी आ जाती है। यह भी एक विषाणु जनित रोग है। इसमें पत्तियां अधिक मोटी और खुरदरी दिखाई देने लगती है। रोकथाम, किसान इस रोग के नियंत्रण के लिए फसल से रोगग्रस्त पौधों को उखाड़ कर जला दे। इसके साथ ही किसान कीटनाशक का भी छिड़काव कर सकते हैं। सरोक्सपोरा पत्तर बुंद की रोग, यह मूंग की फसल में लगने वाला एक खास रोग है। इसके प्रकोप से पैदावार में काफ़ी नुकसान होता है। इसमें पत्तियों पर भूरे गहरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। रोकथाम, किसान फसल को इस रोग से बचाने के लिए बुआई से पहले कैप्टन या थीरियम कवकनाशी से बीज को जरूर उपचारित करें। चूर्णी फफूंद रोग, इस रोग में पौधों की निचली पत्तियों पर गहरे धब्बे पड़ जाते हैं और बाद में पत्तों पर छोटे छोटे सफ़ेद बिंदु दिखाई देने लगती है और बाद में ये छोटे सफ़ेद बिंदु बड़े सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं। आपको बता दें कि यह रोग गर्म या शुष्क वातावरण में तेजी से फैलता है। रोकथाम, किसान इस रोग के प्रकोप से पौधों को बचाने के लिए घुलनशील गंधक का इस्तेमाल करें। रोग का प्रकोप ज़्यादा होने पर आवश्यकता अनुसार कार्बेंडाजियम या कैरोथन को पानी में घोलकर छिड़क दें। पर्ण संकुचन रोग, इस रोग में पत्तियों का विकास रुक जाता है। पत्तियों में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। नित्यजादन मूंग की उपज में कमी आ जाती है। यह भी एक विषाणु रोग है। रोकथाम, किसान इस फसल को बचाने के लिए बीजों को इमिडाक्लोपाइड से उपचारित करें और इसके बाद ही बुआई करें। साथ ही बुआई के लगभग 15 दिन बाद कीटनाशक का छिड़काव कर दें। पीला मैजिक रोग, मोजेक रोग में पत्तियां सिकुड़ने लगती है, उनके ऊपर फफोले पड़ने लगते हैं। ऐसे में पौधों का विकास भी रुक जाता है। मूंग की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट व इनकी रोकथाम। नंबर 1, थ्रिप्स या रस चूसक कीट। रस चूसक कीट या थ्रिप्स कहलाने वाले कीट मूंग के पौधों का रस चूसकर उन्हें नुकसान पहुँचाते हैं। इसके प्रकोप से पौधे पीले कमजोर हो जाते हैं और उनमें विकार भी आ जाता है। रोकथाम, किसान बुआई से पहले बीज को थायमेथोक्स 70 WS 2 मिलीमीटर प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करें। आपको बता दें कि थायमोदोजक्स 25 WG 2 मिलीमीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़कने से थ्रिप्स की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। माहू, फसल में माहू कीट के शिशु और प्रोड पौधों के कोमल तनों पत्तियों फूल फल से रस चूसकर उसे कमजोर बना देते हैं। रोकथाम, किसान ईट कीट से फसल सुरक्षा के लिए डायमेथोड 1000 मिलीमीटर प्रति 600 लीटर पानी या इमिडाक्लोपाइड 17.8 असल प्रति 600 लीटर पानी में 125 मिलीलीटर के हिसाब से प्रति हेक्टर में छिड़काव करें। सफ़ेद मक्खी एक भूभक्षी कीट है जो फसल को शुरुआती अवस्था से लेकर आखिरी अवस्था तक नुकसान पहुँचाता है। इसके प्रकोप से उत्पादन में कमी आ जाती है। रोकथाम, माहू कीट नियंत्रण की विधि का इस्तेमाल किसान इस कीट से भी छुटकारा पा सकते हैं। मूंग की फसल में आप कीट की रोकथाम के लिए इमिडाक्लोपाइड मोनो या टाटा का अफाटाप भी उपयोग कर सकते हो। मूंग की फसल में फंगस की रोकथाम के लिए कोप्रोक्सीक्लोराइड का उपयोग करें। अगर खेत में खाद की कमी दिखाई दे तो आप एनपीके
19-19 का भी छिड़काव कर सकते हो। अगर खेत में फूलों की संख्या कम है तो आप पलानोफिक्स कल्टार जैसे टॉनिक का उपयोग करें, जो कि फूलों की संख्या में भारी वृद्धि करता है और फलों का झड़ने से भी रोकता है, जिससे उपज में भी वृद्धि होती है। पलानोफिक्स एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर टॉनिक है जो पौधे तथा फूलों की संख्या में भारी वृद्धि करता है, जो फूलों को झड़ने से भी रोकता है, जिसके उपयोग से उत्पादन में वृद्धि होती है। आप एक या दो स्प्रे मूंग की फसल में जरूर करें। मूंग की खेती में सुंडियों की रोकथाम के लिए कोरोजन का ही इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल करने से मूंग की फलियों में लगभग सभी सुंडियां ख़त्म हो जाती है, जिससे पैदावार में अच्छी वृद्धि होती है। अगर आप कोरोजन का इस्तेमाल करते हो तो सुंडियों का सफाया हो जाता है। इस तरह आप सुंडियों की रोकथाम के लिए कोरोजन का ही इस्तेमाल करें। मूंग की फलियां पकने के बाद मूंग की कटाई शुरू हो जाती है। मूंग की कटाई 60 से 65 दिन के बाद शुरू हो जाती है। यह मूंग की वैरायटी पर निर्भर करता है। अगर मूंग की सभी फलियां पक गई है तो आप इसकी कटाई कर दें। कटाई होने के बाद आप इसकी बंडल बना दें, फिर आप इसको 4 से 5 दिन धूप में सूखने के लिए छोड़ दें, फिर आप इसकी कटाई कर सकते हो। कटाई करने के बाद मूंग का भंडारण कर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट और इंडियन टेक्निकल फार्मिंग को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। का उपचार व बीज की